करोड़ों भारतीयों ने क्रिकेट विश्व कप को लेकर काफी उम्मीद जताई हुई थी दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें कि क्रिकेट विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था, उसमें करोड़ों भारतीयों का उम्मीद लगा हुआ था कि भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप को जीत लेगी। लेकिन दोस्तों, ये उम्मीद भारतीय खिलाड़ियों और पूरे भारत के वासियों के लिए वासियों के ऊपर पानी फिर गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी बार वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें वह दूसरी बार भी ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया। और यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि अगर आपको क्रिकेट में खेलना है, अगर रन बनाना है, तो आपको धैर्य बनाकर खेलना है और विकेट बचाकर आपको रन बनाना है, ताकि आप एक बड़े लक्ष्य को, बड़े स्कोर को, बड़े रन के स्कोर को आप प्राप्त कर सके। भारत के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस सब ने काफी अच्छा रन बनाए हैं। लेकिन फिर भी जो भारत के खिलाड़ी थे, उसमें फील्डिंग में और बॉलिंग में इस बार कुछ हम लोगों को उम्मीद जो था उससे हम लोगों को कम मिला। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने जब बॉलिंग कर रहा था, तभी उसका बॉलिंग देखकर ही हम लोग को पता लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच को एक तरफा करने वाली है। और हुआ भी वही, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और काफी अच्छा स्कोर बनाया, और 240 का रन, 240 का स्कोर, 241 का स्कोर जो काफी अच्छे से अपने उसने कवर कर लिया और टीम विश्व विजयी बन गई। पूरे स्टेडियम एकदम नीला समुद्र बना हुआ था दोस्तों, सब नीला जर्सी में आकर पहनकर पहुंचे हुए थे। इसमें काफी बड़े बड़े दिग्गज जो लोग थे वह भी पहुंचे हुए थे, आपका सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शाहरुख खान और नीरज चोपड़ा, इस तरह के बहुत सारे सेलिब्रिटी जो थे वो पहुंचे हुए थे इसमें मैच को देखने के लिए। उसका उम्मीद था कि वो मैच को जीत लेंगे और एक सेलिब्रेशन करेंगे, ता वह हुआ नहीं। दूसरी बार भी ऑस्ट्रेलिया से हमको मात खानी पड़ी। खैर, यह मैच है दोस्तों, खेल है, खेल में हार जीत होते रहता है, एक पक्ष को जीतना पड़ता है, एक पक्ष को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वह लगातार 10 मैच को वह जीतते आए हैं। वह सेमी आपका स्टार्टिंग से लेकर सेमीफाइनल तक उसने मैच को जीता है और अंतिम में वह ऑस्ट्रेलिया से हार गई। फिर इससे पहले भारत 2 बार विश्व कप जीत चुकी है, एक बार कपिल देव के समय और दूसरी बार आपका महेंद्र सिंह धोनी के समय, 2 बार विश्व विजयी बनी हुई है। लेकिन इस बार भी लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन वह हुआ नहीं दोस्तों। फिर भी टीम इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस पर बहुत सारे लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों को पर उंगली भी उठाई है, लेकिन ये दोस्तों उंगली उठाना बहुत गलत बात होगा। आपने अगर कभी भी, जो लोग उंगली उठा रहे हैं वह कभी भी 50 लोग, 100 लोग के बीच स्टेज में आकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग उंगली उठाते हैं। और वहां पर आप कह सकते हैं कि इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में जो खेला गया था, उसमें 1,30,000 के आसपास दर्शक थे वहां पर, तो इतने मौजूद थे और पूरे इंडिया उसको देख रहा था। तो कितना प्रेशर होगा खिलाड़ियों के बीच में, खिलाड़ियों के अंदर कितना प्रेशर होगा, उस प्रेशर में वो खेलना काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यह ना कहना कि वह खेला नहीं, अच्छा नहीं खेला नहीं, यह कहना गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी कुछ ऐसे कमियां होने के कारण जो टीम हार गई, हार का सामना करना पड़ा। फिर हमको विश्व विजयी बनने के लिए 5 साल का इंतजार, 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, 4 साल का इंतजार कर लेंगे, फिर एक बेस्ट टीम खड़ा करेंगे और विश्व विजयी हम जरूर बनेंगे दोस्तों।